ओके चिल्ड्रन वेलकम टू द क्लास टुडे डे विल बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन टाइम गोज ऑन नाउ चिल्ड्रन यर इन दिस चैप्टर देर इज़ अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज़ विद द टॉपसी सिटी टाइम मतलब उल्टा पुल्टा है तो आपको उसमें से सीधा करके वो स्टोरी लिखना है पेज नंबर पीछे आपका जो है उस पर एक पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है उसमें वर्ड्स है और वो वर्ड्स इनमें फिट करना है फॉर एग्जाम्पल रीड करो एज द सन सेट्स डैश सुमना अप सेट्स पे कोई उठता है क्या नहीं सो द दिल बी राइज वॉट अ लवली इवनिंग हम इवनिंग में उठते हैं नहीं हम सुबह होके उठते हैं तो मॉर्निंग शी वॉशेज अ फेस फास्ट इन टू आवर्स हम दो घंटे में मू धोते हैं नहीं हमें सिर्फ मिनट्स लगते हैं एंड रनस आउट शी गो स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट she has been watching the eggs for the last few months birds ke eggs me zyada time nahi lagta hatch hone me so it's not months it's days she was waiting for the baby bird to come out but before she can blink her eyes in a week hame aank blink karne me ek week lagta hai apni kitni speed me hai na jup, jup. so it will be moment a cat jumps onto the tree the mother bird cries loudly and sumana rushes टू शू अवे द कैट as द कैट jumps इट hits द बिग green मैंगो एंड इट कम्स विद द ढूम ठीक है तो उससे क्या होता है वो क्यों चिल्लाई कैट को देख के क्योंकि उसको डर लगा कि उसके बच्चे या अंडे को कैट गिरा न दे या नेस पे से खा न ले है नो बर्ड्स आवाज़ करने लग जाते हैं सो वी फ्रॉम दैट पिंक कॉलम आपके पेज नंबर है ना पीछे इसी पेज को टर्न करो 97 पे एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट पिंक कलर बॉक्स ओके अब नीचे देखो इन टू सेक्टेज इट इज़ ऑन द ग्राउंड अब मैंगो को गिरने में टू डेज लगते हैं वो तो सेकेंड में गिर गया दिखाइए पिंक कलर अब इसमें टिक करते जाओ जो जो हमने आंसर्स भर दिए तो जो रह गए वो अभी हमें इतने से बॉक्स में भरना है ज मॉर्निंग मिनट्स डेज मोमेंट तो अब जो बच गया है वो डालेंगे इसमें सो इन टू सेकेंड्स आएगा इट इज ऑन द ग्राउंड ओ हाउ सैड द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप इट इज इट नीड्स वन मोर ईयर ईयर लगते हैं मैंगो को स्वीट होने में नहीं नहीं हम वीक में ही कर लेते हैं हम अपनी आम की पेटी पर पे रखते हो तो यर में करते हैं एक वीक में हो जाता है सडनली सुमिना सिस्टर कॉल्स आउट आर यू स्टिल नॉट हंग्री हार्ट योर स्टमक चेक गॉन टू स्लीप कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर अब हम उपमा डिनर में तो नहीं खाते ना वी हैव उपमा फॉर ब्रेकफस्ट हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम है बिकॉज ऑल दिस स्टोरी में जो भी है वो सब मॉर्निंग का सीन है वेन यू गेट अप दैट्स वॉट दिस स्टोरी वॉज इट स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ना उल्टा पुलटा टाइम सब कुछ उल्टा पुलटा है आपको इसको स्ट्रेट करके लिखना था टॉपसी टर्वी टॉपसी टर्वी मतलब टर्वी मतलब चेंज ऊपर नीचे चेंज करके बोला गया है तो इस वर्ड में से हमने यूज़ करके भर दिया है अब देखो नीचे क्या है हाउ लॉन्ग डज इट टेक आपने किसी को निटिंग करते हुए देखा है स्वेटर बुनते हुए अभी कोई नहीं बनाता पर पहले हमारी दादी माँ ये सब बनाते थे तो उसको बनाने में टाइम लगता है वो एक दिन का टाइम नहीं होता है सो डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पोटर ये जो बना रहे ना तुमने देखा है पिक्चर्स में तो देखा ही होगा वो पता गीली मट्टी से ऐसे क्ले से मट्टी बनाता है ऑल्सो टेलर इट आर टू हैव योर बाथ आप रोज नहाते हो ना तो नहाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता सो दैट टेबल टू बी फिल्ड इन विद उस पर दिया हुआ है टेक मिनट्स टेक आर्स टेक डेज दो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें बाकी के एग्जाम्पल्स ढूंढ के लिखना है फॉर एग्जाम्पल मिनट्स में बात हो जाता है मिनट्स में बॉयल मिल्क हो जाएगा तो टू चेंज क्लोथ्स टू ग्लो बलून है ना सो दिस वर्क आई गिव यू इन द पी डी एफ यू कॉपी फ्राम दैट यू कैन राइट ऑफ योर ओन ऑल्सो आप अपने मन का भी लिख सकते हो ओके सिंपली नो नीड टू कापी देखो टेकन आज स्टिच शर्ट करने में टाइम लगेगा स्कूल जाने में टाइम लगेगा मम्मी जो दही जमाती है उसमें टाइम लगता है और बहुत सारे डेज किसमें लगते हैं टू निट स्वेटर टू वी व सैरी फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, ओके सो ये नीचे जो और हमें करना है आप अपने मन से भी लिख सकते हो और एल्स आई डू इट इन दी डी एफ आप उसमें से देख के लिख लेना पेज नंबर नाइन्टी नाइन हाउ ओल्ड आर वी उसमें एक चार्ट बना हुआ है माई एज टूडे माई मदर्स एज एंड ऑल ओके उसमें नीचे दिया है इरफान सक पाजल है इरफान्स मदर इज ट्वाइज एज ओल्ड एज हिम शी इज ऑल्सो ट्वेंटी ईयर्स ओल्डर हिम गेस द एजिज ऑफ़ इरफान एंड इज मदर वो चाइल्ड का नाम है इरफान एंड मदर का नाम क्या है मदर की एज दो कंडीशन है इट इज़ टाइस एज ओल्डर एज हिम तो लेटर्स गेस कि इरफान की एज ट्वेंटी ईयर्स ओल्डर होगी तो वॉटल बी द एज ऑफ मदर फोर्टी बिकॉज ही देर आर टू कंडीशन दो कंडीशन दिया है कि ट्वाइस भी होना चाहिए तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई टू फॉर्टी एंड गेस शी इज़ ऑल्सो ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड अगर फोर्टी में से ट्वेंटी माइनस किया तो ट्वेंटी सेवन में आ गया सो मदर्स एज विल भी फोर्टी अंडरस्ट नाउ सी ऑन अना देज पेज नंबर हंड्रेड बर्थ सर्टिफिकेट इज गिवेन सो लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिन्सी वो बच्चे का नाम है बिन्सी एवरी डिटेल इज दे एवरी चाइल्ड इज बर्थ सर्टिफिकेट वंस वेन इज बॉर्न ठीक है तुम्हारा भी होगा तो इज बर्थ सर्टिफिकेट में सी तरह कॉलम्स नेम सेक्स डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ नेम ऑफ फादर नेम ऑफ मदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल उसके बेस पे नीचे वाला जो कॉलम है उसका आंसर्स हमें भरना है ओके फॉर एग्जांपल टू फाइव टू थाउजेंड टू शोज दैट बिन्सी वॉज बोर्न ऑन डैश इन द ईयर टू अब ऊपर सर्टिफिकेट पर जाओ और ऊपर देखो कब डेट ऑफ बर्थ है सेकेंड फाइव टू थाउजेंड टू अब फाइव क्या होता है मे बिकॉज सी जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल एंड मे आई टोल्ड यू ना हाँ सो दिस इज मे ओके हाउ ओल्ड विल बी बिन्सी ऑन सेकेंड मे टू थाउजेंड एट कब बॉन्ड हुई है बिन्सी टू मे तो टू थाउजेंड एट माइनस टू थाउजेंड टू कितना हो गया सिक्स ईयर्स ओके हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टी टू अब ये लंबा कैलकुलेशन हम क्या करेंगे टू थाउजेंड फिफ्टी टू में से टू थाउजेंड टू को माइनस कर दो क्या आया फिफ्टी ईयर्स ओके ऑन वॉट डेट विल शी बी एट ईयर्स ओल्ड राइट इन नंबर्स कैस कब होगी एट ईयर्स देखो वेनिशी बॉन टू फाइव टू थाउजेंड टू ओके तो टू के बाद एट करो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तो ईयर तो आ गया टू थाउजेंड टेन अब उसमें लिखा है वी हैव टू राइट इन नंबर्स सो वील राइट सेकेंड मे टू थाउजेंड टेन हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन सी ऑन सेकेंड ऑगस्ट टू थाउजेंड टू गिनो हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन सी ऑन सेकंड ऑगस्ट टू थाउजेंड टू बॉर्न कबूई सेकेंड मे टू थाउजेंड टू तो मे वर्स फिफ्थ थ्री मंथ्स कितना हुआ हाँ मे के बाद क्या आया जून देन केम जुलाई देन केम ऑगस्ट ठीक है तो वो थ्री मंथ्स की हुई इन ऑगस्ट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिन्सी नाउ बिन्सी अब कितने साल की है अभी हमारा टू थाउजेंड ट्वेंटी है माइनस टू थाउजेंड टू सो यू विल गेट द आंसर इज़ एटीन ईयर्स ओके टू थाउजेंड नाइन्टीन किसके बुक में टू थाउजेंड नाइन्टीन लिखा है तो टू थाउजेंड नाइनटीन होगा तो सेवेंटीन होगा मैंने टू थाउजेंड ट्वेंटी से किया है सो द आंसर इज एटीन ईयर्स आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यूड फिर देखो उसमें डेट ऑफ इश्यूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है फिर डेट ऑफ इश्यू है फिफ्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड टू ओके okay. सो so, हम क्या लिखेंगे फिफ्थ अगस्त टू थाउजेंड टू लिखा आपको उस सर्टिफिकेट पे जाके देखना है वहाँ लिखा है डेट फिफ्थ अगस्त टू थाउजेंड टू नीचे देखो ओके तो यू विल राइट दे फिफ्थ अगस्त टू थाउजेंड टू देन केम वॉट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है देखो रजिस्ट्रेशन नंबर एट वन फाइव पब्लिक जीरो 2. दिखा देखो इधर रजिस्ट्रेशन नंबर सर्कल करके दिखाया मैंने एट वन फाइव ज़ीरो टू सारा आंसर उस टेबुलेशन में से ही भरना है भर दिया अब उसके बाद है फाइंड आउट वेर वेन वर यू बॉर्न सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है दिस विल बी डिफरेंट फॉर ऑल ओके देन राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स फिर अपने नंबर्स में लिखो ओके देन डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट Yes. नाउ यू आस्क योर पेरेंट्स टू मेक वन फॉर yourself. नीचे एक कॉलम दिया हुआ है वो तुम्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपनी सारी डिटेल्स अपनी बर्थ सर्टिफिकेट में से भरना है नाउसी पेज हंड्रेड एंड वन विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट आपको नेम ऑफ आप द तो फेस्टिवल दिया हुआ है डेट दिया हुआ है एंड द डे इज गिवन ओके so you have to fill in the columns or arrange the festivals in the order in which they come in the year i'll do this in pdf par main ek baar samjha deti hu ki humne kaise dekha hai now year starts in january and its end in december तो हम पहले देखेंगे कि इसमें जनवरी में कौन सा आया पहले तो पोंगल कम्स इन जनवरी ओके तो हम फर्स्ट लिखेंगे अरेंज द फेस्टिवल्स order में लिखना है तो हम पहले पोंगल लिखेंगे जनवरी वाला फिर देखो फेबर में कोई है फेबररी में कोई फेस्टिवल आ रहा है इधर से देखो ना इस कॉलम में आपको वैसे पता चल जाएगा जैसे डिस क्रिसमस है वो दिसंबर में ही आएगा राइट फिर ईद है मिलाद उल नबी, मतलब वो ईद है ओके देन दिवाली आती है अक्टूबर में ओनम आता है अगस्त में गांधी जयंती आती है अक्टूबर में रक्षाबंधन आती है अगस्त में गुरु नानकस बर्थडे आता है नवंबर में बीहू आता है अप्रैल में ओके सो विल फिल इन दैट पहले पोंगल फिर गुरु नानकस बर्थडे फिर बीहू फिर ओनम फिर रक्षाबंधन गांधी जयंती दिवाली मिदलबी ओके okay? फिर विच फेस्टिवल कम्स इन बिगनिंग ऑफ द ईयर पोंगल एंड वेज फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर से पेज नंबर हंड्रेड एंड एट दर इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ पेड़ की देवी उसमें उसकी एक पिक्चर बनाई हुई है पेड़ की देवी एक लेडी का नाम है और उसकी माई टाइम लाइन सो माई नेम इज़ पेड़ की देवी आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड आई नव अट अ चांस टू गो टू स्कूल आई रिमेंबर दैट वेन आई वॉज फाइव ईयर्स ओल्ड आई ब्रोक माई फुट आई हैड क्लाइं द ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट बट द ब्रांच ब्रोक एन आई फेल डाउन माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर अब ये स्टोरी है पेड़ की देवी ये लेडी है ना ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती थी वो कभी स्कूल नहीं गई बच्चे रिमेंबर कि फाइव इयर्स की जब वो थी तब उसने अपना पैर तोड़ा था क्योंकि वो झाड़ पे चढ़ के जामुन खा रही थी पर क्या हुआ डाली टूट गई और वो नीचे गिर गई अभी भी विंटर में उसको पैर दुखते हैं वाइल ग्रेजिंग अ गोट्स वी ऑफ़न गॉट बिजी इन प्लेइंग वंस एट द एज ऑफ टेन ईयर्स आई गोट अब विथ्स कोल्डिंग आई हैड लॉस्ट वन गोट एट द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर्स I was married. My husband was much older than me. My first daughter was born three years after my marriage. Later, I had three more children when I was twenty, twenty-two, and twenty-four years old. वो बकरियों को चराती थी और खेलने भाग जाती थी वैन शी वॉज टेन ईयर्स तो कभी कभी उसको डांट भी पिटती थी क्योंकि उसकी एक बकरी गुम हो गई थी एज एज फिफ्टीन ईयर्स में उसकी शादी हो गई थी और जो उसके हस्बैंड थे तो वो उससे बहुत बड़े थे Her first daughter was born three years after her marriage. 15 years, mein hui, 18 years usko first daughter. Hui. And she had three more children at 20, 22, and 24 years. Time passed very fast that I was busy with my farm, housework, and looking after animals. But at the age of 35 years, my world came to a stop. My husband fell ill and died. His brothers tried to make away our farm. They beat me badly and said I was a witch.

देन एट द एज ऑफ फोर्टी शीवेंट टू द पुलिस स्टेशन तो उसी बेस की स्टोरी पर ये नेक्स्ट पेज के आपके क्वेश्चन आपको भरने हैं सम थिंग्स आर हैपन इन अर लाइफ आगे बिन बिलो एंड वी हैव टू मार्किट ऑन अ टाइम लाइन फॉर एग्जाम्पल पहला वाला दिया हुआ है फाइव ईयर्स में उसका फुट ब्रोक हुआ था सो इट इज़ रिटर्न ए राइट देन सेकेंड वाला था लॉस्ट पॉइंट गोड कब लॉस्ट हुआ जब वो टेन ईयर्स की थी तो वील राइट बी दे सेकेंड पॉइंट पर हम बी लिखेंगे देन शी गट मैरिड वेन शी गट मैरिड शी गट मैरिड एट द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर्स तो हम फिफ्टीन कहाँ लिखेंगे टेन और ट्वेंटी के बीच में फिफ्टीन बीच में ही आएगा ना देन शी हैड अ फोर्थ चाइल्ड कब हुआ ट्वेंटी फोर ईयर्स में तो so, हम उसे डी लिखेंगे फर्स्ट शी स पुलिस स्टेशन कब गई थी वो फर्स्ट पुलिस स्टेशन पे यस yes. सो so, हम उसको लिखेंगे फोर्टी पे वेन शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन सी शी वेंट एट द एज ऑफ फोर्टी देन शी लर्न टू रीड एंड राइट एंडी फाइव शी लर्न टू रीड एंड राइट तो हम उसको एफ देंगे एल्डर्स डॉटर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ तो हम उसको जी देंगे सेवन में आ गया उसी तरह आपके भी किसी इंसिडेंट के टाइमलाइन बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट यू कैन डू दैट